हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति गौतम, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून। आज मैं डिमेंशिया से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। डिमेंशिया मोस्टली ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ब्रेन की जो एबिलिटी होती है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, उसमें डिटोरिएशन होता है। कुछ हद तक ये डिटोरिएशन नॉर्मल भी होता है। वैसे कंडीशन को हम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो वैसे पेशेंट्स जिनको कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कम्युनिटी में इंडिपेंडेंट होते हैं, और अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ के लिए भी इंडिपेंडेंट होते हैं। बट उनमें भूलने की कुछ तकलीफ होती है, जैसे कुछ चीज़ों को कहीं रख के भूल जाना, या याद उसको रिकॉल करने में तकलीफ होना। बट वो जब तक इंडिपेंडेंट होते हैं, हम उनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, पेशेंट्स कभी कभी हमारे पास इस सिम्टम्स के साथ भी आते हैं, और कभी कभी जब इनका सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हम पेशेंट्स को डिमेंशिया बोलते हैं, जब पेशेंट की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो मल्टीपल डोमेन्स में अफेक्टेड होती है, और पेशेंट अपनी डेली लिविंग की इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट नहीं रहता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, हमें घर से निकलना है, किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, कुछ आइटम्स को परचेज करना है, और वहाँ से रिटर्न होकर आना है। इन सारी एक्टिविटीज़ को वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता है, स्टेप्स में उसको हेल्प की ज़रूरत होगी। डिमेंशिया के काफ़ी कारण होते हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काउज जो डिमेंशिया के हैं वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। तो बेसिकली ब्रॉडली हम डिमेंशिया को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो कि रिवर्सिबल डिमेंशियाज होता है, और ट्रीटेबल डिमेंशिया होता है। दूसरा जो कि बिकॉज ऑफ डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज के कारण होता है, जो डिजेनरेटिव डिमेंशियाज होते हैं। जो रिवर्सिबल डिमेंशियाज हैं उसमें कॉमनली कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयड, हाइपोपैराथायरॉयड होना, अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कुछ ब्रेन इंजरी से रिलेटेड जो माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती हैं, जैसे कि क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा हो गया, या कुछ ब्रेन के इन्फेक्शंस जैसे कि न्यूरोसिफिलिस और अदर इन्फेक्टिव कंडीशंस ऑफ द ब्रेन, जो कि ट्रीटेबल होते हैं, जिसको ट्रीट करने से पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। एंड रिसेंटली नाउ इट इज़ ऑटोइम्यून कंडीशन, देयर आर सो मेनी ऑटोइम्यून कंडीशन जिसमें कि डिमेंशियाज होती हैं, और वो रिवर्सिबल होते हैं विद ट्रीटमेंट। ऐसे डिमेंशियाज इजली थोड़े रैपिडली प्रोग्रेसिव होते हैं। जो स्लोली प्रोग्रेसिव डिमेंशियाज होते हैं, 2 years, 3 years से चला आ रहा है, वो इजली डिजेनरेटिव डिमेंशियाज होते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन जो होता है जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया होता है, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अप्रॉक्सिमेटली एज पर करेंट डाटा मोर देन 50 million पीपल्स आर अफेक्टेड विद दिस अल्जाइमर्स डिजीज। अदर डिमेंशियाज, डिजेनरेटिव डिमेंशियाज लाइक वैस्कुलर डिमेंशियाज, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशियाज। तो एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हमारा काम ये होता है कि हम ट्रीटेबल डिमेंशियाज को पहले ट्रीट करें, और डिजेनरेटिव डिमेंशिया को उससे एक्सक्लूड करने। और डिजेनरेटिव डिमेंशियाज में भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज लाइक अल्जाइमर्स डिमेंशियाज, वैस्कुलर डिमेंशियाज, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशियाज, लेवी बॉडी डिमेंशियाज, इन सबको अलग अलग करके पेशेंट को एक डेफिनेट डायग्नोसिस दे पाएं, क्योंकि इससे पेशेंट का प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि पेशेंट का सर्वाइवल या डिटोरिएशन कितना रैपिड होगा। जो हमारे अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं स्पेशली, उनको पहले नज़दीक की चीज़ें भूलने की प्रॉब्लम शुरू होती है। सुबह क्या खाया था, रात में क्या क्या खाया था, बार बार एक ही सवाल को पूछना, ये सिम्टम्स आने लगते हैं। उसके बाद उनमें सिम्टम्स आता है कि घर से बाहर निकले तो वो खो गए, स्पेस जहाँ जाना था वो लॉस्ट करके घर भूल गए कहाँ है। धीरे धीरे जब सिम्टम्स बढ़ता जाता है, इसको हम स्टेज में डिवाइड करते हैं, तो बाद में पेशेंट्स बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ समझ भी नहीं पा रहे। तो इनिशियली जो अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनको करना आता है, जब उनको हम बताएंगे कि आप ये काम करते थे, वो जो प्रोसीड्यूर है वो सिक्वेंस उनको याद रहेगा, लेकिन उनको ये करना है वो ये चीज़ भूल जाते हैं। अब जब हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एज, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, ब्रेन का वॉल्यूम श्रिंक करता है, और ऐसे सिम्टम्स आते हैं। कुछ फैक्टर्स होंगे रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, इवन हैवी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इनटेक, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी स्ट्रोक, एनी सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। और स्पेशली यदि हम इन सब फैक्टर्स को देखते हैं, तो इसमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे, जो कि डायबिटीज़ हैं और हाइपरटेंशन है, ड्रग एब्यूज़ है, ये सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को रोक सकते हैं, इवन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ को कम किया जा सकता है इनको कंट्रोल करके। उसके बाद जब रिस्क फैक्टर्स के बाद हम देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो फर्स्ट पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है एक डिटेल कॉग्निटिव असेसमेंट, जो कि एक कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं या कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है बाय द पेशेंट सिम्टम्स। उसके बाद हम इमेजिंग करते हैं
ब्रेन की एमआरआई करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट अफेक्टेड होते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये ट्रिटेबल डिमेंशियाज है या फिर ये डिजेनरेटिव डिमेंशियाज है। ब्लड के पैरामीटर्स जो भी रिवर्सिबल पैरामीटर्स हैं ब्लड के, उसको यदि ट्रिटेबल डिमेंशिया है तो उसको करेक्ट करते हैं, अदरवाइज वो डिजेनरेटिव डिमेंशियाज लाइक अल्जाइमर्स डिमेंशियाज। जब हम अल्जाइमर्स डिमेंशिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो भी ड्रग्स अभी अवेलेबल है वो सिम्टम्स को स्लो करते हैं, सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं, बट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज उस डीजनरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक्चुअली अभी कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द ड्रग यूजेस अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशल फैक्टर्स होते हैं, फैमिली से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जो कि फैमिली मेम्बर्स को समझना होता है कि हाउ टू हैंडल द पेशेंट्स। पेशेंट में यदि डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वी हैव टू ट्रीट दोज डिप्रेशन सिम्टम्स, वी हैव टू आस्क पेशेंट टू एंगेज इन कॉग्निटिवली एक्टिव एक्टिविटीज एंड फ्रीक्वेंटली दे शुड चेंज द एक्टिविटीज। उनको डे टाइम्स में अपनी एक्टिविटीज चेंज करनी चाहिए, लाइक 2-3 आवर्स यदि वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कुछ गेम्स प्ले करना चाहते हैं, इवन मूवीज देखना चाहते हैं, इवन वीडियो गेम्स प्ले करना चाहते हैं, जिनको स्टडी किया हुआ था वो स्टडी करना चाहते हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को कॉग्निटिवली इन्वॉल्व करना चाहिए और फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट होना चाहिए। और विद द मेडिकल अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हम उनके सिम्टम्स को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि पेशेंट अपने डेली लिविंग्स को अच्छे से लीव कर सकें। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।